कैसे हो दोस्तों? आज हम घूमने आए हैं कुतुब मीनार में, तो चलते हैं। टिकट ले लिए हैं हमने यहाँ पे कुतुब मीनार में, ऑनलाइन टिकट ले लिए थे हमने। मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, काफ़ी लंबी भीड़ लगी हुई है और सबसे पीछे जाना पड़ेगा। अभी हमें इन लोगों से पीछे जाना पड़ेगा। आधे घंटे के आसपास हमें वहाँ पर वेट करना पड़ा। उसके बाद हम अंदर आए हैं। ये देख सकते हैं कुतुब मीनार का नज़ारा। थोड़ा आगे चल के दिखाएंगे आपको कुतुब मीनार, क्या सुंदर नज़ारा जिसके लिए हम इतना इंतज़ार किया है। हम लगभग शाम को पहुँचे यहाँ पे। हमने सोचा थोड़ा फ़ोटो अच्छी आएंगी, लेकिन काफ़ी वेट करना पड़ा हमें यहाँ पे बाहर पे, इसकी वजह से। चलो जैसे तैसे पहुँच तो गए और अभी देखते हैं। ये है वो सुंदर नज़ारा कुतुब मीनार, जिसके लिए हमें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। यह दिव्या, मेरी वाइफ की सिस्टर, और उसका भाई भी आया है यहाँ पे, कमल। अभी हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देखिए मुस्कुरा रही हैं। सुबह मन नहीं था इनका आने का, लेकिन फिर साथ में लेके आए इनको। असल में दिव्या और कमल घूमना चाह रहे थे, फिर सोचा चलो इसको भी लेके चलते हैं साथ में। इसे तो पहले देखा हुआ था, आज फिर चल रहे हैं देखने के लिए। ये थोड़ा सा आगे जाके दिखाते हैं आपको। और फिर हम अंदर गए यहाँ पे, हमने देखा, ये देखिए इतना मेंटेनेंस नहीं किया हुआ है यहाँ पे। इस हिसाब से ज़्यादा पैसे लेते हैं लोगों से, थोड़ा बहुत यहाँ पे मेंटेनेंस होना चाहिए। ये देखिए वो सुंदर नज़ारा कुतुब मीनार। इसके बाद कुछ हमने फोटोज़ खींची हैं यहाँ पे, और शाम के टाइम पे काफ़ी बढ़िया नज़ारा था। आसमान में एयरप्लेन वगैरह भी उड़ रहे थे, काफ़ी सुंदर दृश्य था। कुछ फोटोज़ हैं यहाँ पे फैमिलीज़ की हमारी, जो हम लोग साथ में गए थे। और शाम के टाइम पे बहुत बढ़िया नज़ारा था वहाँ पे। 6 साढ़े 6 के आसपास हो गया था मैं वहाँ पे, और 7 बजे वहाँ पे एंड टाइम होता है। तो बाहर आते आते हमें 7 बज ही गए थे, इसलिए हम लोग कुछ फोटोज़ क्लिक करने के लिए वहाँ पे गए हुए थे। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।